समय के लिए आते थे। अब उन्होंने कहा जाओ और उनसे जाकर दीक्षा लो तुम। अब भक्ति सिद्धांत जी अपने पिता के कहने पे चले गए और जाकर बोलते हैं गौर किशोरदास बाबा जी आपसे दीक्षा लेनी है। तो वो कहते हैं क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप इतने बड़े परिवार के पुत्र, आप इतने पढ़े लिखे, आप इतने विद्वान और मैं कहाँ, आप क्यों मजाक करते हो। वो कहते हैं मैं दीक्षा नहीं दूंगा और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको शिष्य बना सकूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब ये वापसी आ जाते हैं, इनके पिता सुबह पूछते हैं उठते ही क्या हुआ दीक्षा लिया नहीं लिया, बोलते हो नहीं उन्होंने मना कर दिया कि मैं शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। बोले आज दोबारा जाओ, फिर से जाओ। फिर ये भक्ति सिद्धांत जी दोबारा जाकर कहते हैं कि मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। वो कहते हैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। तीसरा दिन आता है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर पूछते हैं क्या हुआ दीक्षा लिया या नहीं लिया। वो कहते हैं नहीं दिया उन्होंने। फिर जाओ, चौथा दिन जब हो जाता है तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर पूछते हैं क्या हुआ दीक्षा लिया या नहीं लिया। बोले उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं अभी लास्ट दिन है, अगर अब ना दे तो आत्महत्या कर लेना। और भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं अगर आज उन्होंने दीक्षा नहीं ली, पास में गंगा बहती उसी में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन दीक्षा लूंगा तो उन्हें से ही लूंगा। तो जाते हैं गौर किशोरदास बाबा जी के पास और कहते हैं मुझे दीक्षा चाहिए आपसे, दीक्षा मतलब मुझे गुरु बनाना है आपको। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बनाऊंगा, चलो तुम बार बार इतना कह रहे हो तो मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ लेता हूँ कि मुझे शिष्य स्वीकार करना है या नहीं करना, क्योंकि मैंने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, मैं योग्य नहीं हूँ, एक बार फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। अब ये पूछने के लिए इनको भेज देते हैं। भक्ति सिद्धांत जी घर चले जाते हैं, वो भी अपने भजन में लग जाते हैं।